अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? हक मोइन, या मोइन। तो दोस्तों, आज है 12 तारीख और आज यहाँ पर रैली है हमारे मढ़ में, हमारी महाविकास आघाड़ी। हमारे दादा भी आए हैं अभी यहाँ पर, और हमारे महाविकास आघाड़ी के जो लाडले उम्मीदवार, आमदार, दमदार असलम शेख सर की रैली आज मढ़ जेट्टी से पूरा मढ़ होने वाली है। तो मैं और पप्पू भाई पहुंच चुके हैं। पप्पू भाई, और आपको आगे दिखाएंगे कि कितनी बड़ी रैली है, सब आपको आगे पहुंचाएंगे। और आप लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और तो दोस्तों, 8 तारीख से सफर स्टार्ट हुआ था दारू वाला कंपाउंड से, जो दारू वाला कंपाउंड होते हुए फिर आजमी नगर पहुंचा, आजमी नगर से न्यू कलेक्टर कंपाउंड पहुंचा, न्यू कलेक्टर कंपाउंड से काचपाड़ा, और अब पहुंच चुका ये कारवा अपना मढ़ में, मढ़ जेट्टी में। तो आप कवर करेंगे हम इंशाल्लाह, और आपको दिखाएंगे क्या रैली किसको कहते हैं और दमदार एमएलए किसको कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारी संजय दुदार साहब की शाखा है। हमारे आमदार साहब तो आप देख रहे हो, ये मढ़ में प्यार मिल रहा है। ये जागा उपलब्ध करूँ।
दोस्तों अजान का वक्त हो गया है यहाँ पर। नफरत से देश नहीं चलता, मोहब्बत से चलता है। और वही एक मैसेज मलाड में हमारे असलम सर ने हमेशा से दिया है। असलम भाई, असलम भाई, वन साइड असलम भाई। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? 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 असलम बंगार है, असलम बंगार है, असलम बंगार है, असलम बंगार है, असलम बंगार है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सगळे मच्छीमारांनी त्यांना पत्र लिहिलं की तुम्ही हे धरावीस
चा प्रोजेक्ट रद्द करा. इथे गावकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू नका, मासेमारी करणाऱ्या लोकांना उद्ध्वस्त करू नका. एक शब्द ते सुद्धा या कोळ्या लोकांच्या मागण्यावरती गेले नाही. आणि अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे आमचे कोळी बांधव आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं काम, मग मड असू द्या इथे पोट असू द्या, सगळ्या ठिकाणी तेच.
दोस्तों, ये हमारे 49 के शाखा प्रमुख संदेश घर जी, हमारे दादा का ये घर है असलम सरस का। यहाँ पे सत्कार और स्वागत किया है उन्होंने हमारे संदेश दादा और उनकी फैमिली ने। दोस्तों, आज 14 दिन का रैली का, और जैसा कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, हर जगह जा रहे हो, वहाँ पे मोहब्बत यूं ही मिलती जा रही है सर को। और आज मढ़ में मढ़ जट्टी से रैली स्टार्ट हुई थी और पूरा मढ़ हम लोग ने घूमा है। तो आज हमारे साथ हमारे अफजल मामू है। अफजल मामू, ये जो प्यार अपने को असलम सर को मिल रहा देखने के लिए, हर जगह पे स्वागत हो रहा है। आज माशाल्लाह आज कोहली में लोगों ने कोहली समाज में बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। क्या बोलोगे मामू, आज जो आप सब लोग को प्यार मिल रहा है उनके काम के वजह से मिल रहा है। आज नंबर 49 में हम लोग खड़े हैं, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और असलम भाई को जो प्यार है ढेर सारा मिल रहा है। आज जो हम लोग कोहली समाज में गए थे, क्रिश्चियन वाला बोलते हैं, यहाँ पर असलम भाई को प्यार मिलने की वजह ये कि असलम भाई ने लोगों का काम किए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की समाधान दिए, लोगों की समस्या को समाधान करते हुए ये असलम भाई को प्यार मिला है। हर जगह का मेरा छोटा भाई, मेरा भाई तबरेज, क्या बोलना चाहेगा तबरेज भाई? मुस्तकीम भाई को पहली बार तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। इनका क्लिप वीडियो में देखता हूँ, बेचारे बहुत मेहनत करके व्लॉग को कवर करना इतना आसान नहीं होता है। और आज जो रैली थी, आज कोहली समाज की जो मोहब्बत या देखने मिली, बहुत बेहतरीन मोहब्बत देखने मिली। और हमको पता है कि जीत पक्की है, और ये लहर, ये खुशियाँ हमको दिख रही थी हर चाल में, हर गली में। आप वीडियो देखोगे मुस्तकीम भाई के, इसमें हर गली में जिस तरीके से लोग जोश में थे और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, जो प्यार था असलम शेख जी का, और हमको पता है कि विजय हमारी पक्की है। और बस इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहे और इंशाल्लाह जल्दी हम जीत का झंडा फहराएंगे। जो नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जो बाहर से आके, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों, वो खाली बस अभी तक के मैंने देखा हो, जब से पर्चा भरा है वो सामने वाला बंदा, जब इसे अभी तक के वो खाली एक ही बात बोल रहा है, 4 महीने में नशा ख़त्म करूँगा, 4 महीने में नशा मालवनी मुक्त। मैं खाली एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, मालवनी की बात नहीं, मल्लाड़ की बात नहीं, मैं पूरे इंडिया की, पूरे महाराष्ट्र की बात करूँगा। आज 10 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और कितने राज्यों में इनके CM है, महाराष्ट्र की सरकार 2.5 साल से लोग के हाथ में। तो दोस्तों, ये नशा आ रहा कहाँ से? बिल्कुल, ये मतलब अडानी पोर्ट पे 3,000-4,000 किलो का ड्रग्स पकड़े जाता है, ये क्यों आता है? और ये जो पकड़े जा रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में आप दिखा रहे होंगे, और सोचो मीडिया इनके साथ है, असल बात कोई बताता नहीं है। और हम देख रहे हैं 10 सालों में देश इतना परेशान हुआ है इनकी सरकार आने से, जिस तरीके सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है दोस्तों, इनका काम यही है, और खाली बस मंदिर मस्जिद राम के नाम पे, आप देखोगे धर्म के नाम पे, हमारे यहाँ मलाड कॉन्स्टिट्यूशन में एक मिसाल पैदा हो गई है। हर भाईचारा है, हर जात के इतने किस्म के लोग हैं, इतने किस्म की जात पात है, हम मिल के त्यौहार बनाते और साथ रहते। आपने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे ही होंगे, नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके देखिए। मालवनी में लालबाग के बाद में सबसे ज़्यादा गणपति मालवनी में बैठते हैं। बिल्कुल, और ये भाईचारे की निशानी है कि हमारे इधर पे कभी आज तक ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये गंदे लोग कुछ ना 2-4 साल से जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें नई कोशिश लोग की मतलब फेल हो रही है, नाकाम हो रहे हैं वो लोग। तो अभी आने वाली 24 तारीख बहुत से लोग आए और गए, हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आने वाली 20 तारीख को मलाड की जनता जानती है उन्हें क्या करना है, बस एक नंबर का बटन दबाना है और बहुत ही भारी
वोटों से हमें असलम सर को जिताना है दोस्तों। तो यूं ही प्यार देते रहिए और मिलिए। अभी कल का क्या अपडेट है हम आपको बताएंगे। और जैसा सबरेश भाई ने बताया क्या ये ब्लॉग बनाना इतना गर्दी में आपने देखे रहेंगे इसके पहले मेरा मोबाइल गिरा इसके लिए मैंने वो क्लिप काटा नहीं, वो क्लिप मैंने वैसे ही रखा हो जो परसों का जो ब्लॉग था हमारा। जिस तरीके से भाग भाग के इतना आसान चीजें नहीं है तो मैं पूरा कवर करना है सर के लिए, दिल से मेहनत करना है। और मेरे मालवनी मलाड़ के असेंबली के और पूरे इंडिया के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना। और देखिए ये मोहब्बत जो हमारे सर ने फैलाई है ये मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, यही दुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।